दीदी की शादी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आए तो मम्मी पापा हॉल में बैठे थे। मम्मी काफी एक्साइटेड थी और पापा कॉल पर हंस हंस कर बात कर रहे थे। अरे नहीं नहीं निखिल, दोनों भाइयों को जाना पड़ेगा, नहीं तो मालती ताई बुरा मान जाएंगी। अरे कैसी बात कर रहा है यार, बच्चे भी आएंगे ना साथ में, वो भी देख लेंगे गाँव की शादी कैसी होती है। चल ठीक है, गट्टू चिंकी आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गट्टू चिंकी समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा किसकी शादी की बात कर रहे थे। आ गए तुम दोनों, सुनो पापा तुम दोनों को कुछ बताने वाले हैं, जो सुनकर तुम दोनों पागल हो जाओगे पागल। ऐसा कहकर मम्मी हंसने लगी और पापा ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी हमारी एक मौसेरी बहन है मालती ताई, उनकी बेटी की शादी है चित्रा दीदी की, नासिक के पास पंचवटी गाँव है छोटा सा, वहाँ तुम दोनों आना चाहोगे। मम्मी पापा को लगा था कि शादी की ये खबर सुनकर गट्टू चिंकी तो नाचने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बिना कुछ कहे उनके कमरे की तरफ निकल गए। अरे क्या हो गया, कुछ तो बोलो। अरे बच्चों, अरे ये तो बताओ तुम आओगे कि नहीं, सुधीर अंकल, मेघा आंटी, मुनमुन और बन्नी भी आने वाले हैं, मुझे सबके ट्रेन के टिकट्स भी बुक करने हैं, बहुत मजा आने वाला है, बच्चों कुछ तो बोलो। लेकिन दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले उनके कमरे में निकल गए। अंदर जाकर चिंकी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ये शादी प्या, 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 शादी रे, शादी रे, शादी की शादी रे। गट्टू चिंकी ने नाचते हुए गाते हुए पूरा घर सिर पर उठा लिया और दोनों का शोर सुनकर बाहर हॉल में खड़े मम्मी पापा के कान पक गए। और आखिर वो दिन आ ही गया, गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और सुधीर अंकल की पूरी फैमिली सुबह सुबह ट्रेन में बैठकर पंचवटी के लिए निकले। गट्टू चिंकी और उनके कजन्स बन्नी और मुनमुन खिड़की के पास बैठे थे। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और बच्चे बाहर का खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे थे, नदी, नाले, पहाड़ और हरे भरे खेत। जैसे ही नासिक शहर छूटा, अंगूरों के हरे भरे बगीचे दिखने लगे और रंग बिरंगी अंगूरों ने बच्चों का मन मोह लिया। 10 बजे सब लोग पंचवटी स्टेशन उतरे। स्टेशन काफी छोटा सा और खूबसूरत था। पंचवटी गांव स्टेशन से काफी नजदीक था। मालती बुआ की तरफ से मेहमानों को स्टेशन से गांव ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। बैलगाड़ियां काफी खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। एक गाड़ी में गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ बैठ गए और दूसरी बैलगाड़ी सुधीर अंकल की फैमिली को लेकर पीछे से आने लगी। गट्टू चिंकी पहली बार बैलगाड़ी में बैठ रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उनका गाड़ी वाला बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था और गट्टू चिंकी बन्नी और मुनमुन की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। गांव के खूबसूरत रास्तों से होते हुए बैलगाड़ी शादी के मंडप तक पहुंची तो इंतजाम देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शादी का मंडप काफी खूबसूरत था। मंडप के नीचे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मेहमान इधर उधर भाग रहे थे। बाजा बजाने वाले, शहनाई वाले बहुत ही बढ़िया बजा रहे थे। काफी एनर्जेटिक और खूबसूरत माहौल था। एक औरत काफी सज सवर कर मंडप में भिंगरी की तरह इधर उधर भाग रही थी, मेहमानों की पूछताछ कर रही थी। मालती ताई, पापा ने आवाज लगाई और वो औरत सबको देखकर भागती हुई उनके पास आई। ये थी पापा की मौसेरी बहन मालती ताई। आ गए आप सब, बस आपका ही इंतजार हो रहा था। कैसे हो बच्चों? चलो सब लोग फ्रेश होकर मंडप में बैठ जाओ और नाश्ता पानी कर लो। फिर क्या, सब लोग फ्रेश होकर नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मंडप में आकर बैठ गए। फिर गांव वालों ने सबको नाश्ता परोसा। नाश्ता काफी टेस्टी था। चलो मेघा, नाश्ता पानी तो हो गया, अब हम मालती ताई का हाथ बटाते हैं। हम लड़की वाले जो ठहरे, बारात आने से पहले हमें तैयार रहना है। हाँ भाभी, आप दोनों जाइए, मैं और भैया जीजा जी से मिलकर यहाँ इंतजाम देखते हैं। और पापा, हम क्या करें? मुनमुन और बन्नी, तुम दोनों गट्टू चिंकी के साथ रहो, घूमो फिरो, गांव के नए दोस्त बनाओ और उनके साथ खेलो, जाओ। ये चलो। गट्टू चिंकी अपने कजन्स के साथ मंडप में इधर उधर भागने लगे और खेलने लगे। शादी में उन्हें गांव के नए दोस्त भी मिल गए, उनके साथ उन्होंने बहुत मस्ती की
बहुत सारी बातें की। तुम्हें अंगूर के बगीचे देखने हैं? हाँ, हमने कभी अंगूर के बगीचे नहीं देखे, ले चलो हमें। अभी नहीं, बारात आने का समय हो गया है, हम कल चलेंगे। फिर क्या, नाचते हुए बारात आई और गट्टू चिंकी सबके साथ बारात एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग मंडप में आ गए। दुल्हा दुल्हन पंडित जी के पास आकर बैठ गए। दुल्हा दुल्हन काफी सज सवर कर बैठे थे। दुल्हन शर्मा रही थी और दुल्हा मुस्कुरा रहा था। दोनों की जोड़ी काफी जच रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फेरे संपन्न हुए। फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में मालाएं डाली। जोर जोर से शहनाइयां बजने लगी और शादी संपन्न हुई। ना पटाखों की डरावनी आवाज और ना डीजे के नखरे। शादी एकदम ट्रेडिशनल और सिंपल तरीके से संपन्न हुई। गट्टू चिंकी मंडप में एक लाइन में बैठकर दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। यहाँ खाना अपने हाथों से लेने की जरूरत नहीं थी। गांव वाले सबके पास आकर एक एक को बड़े ही प्यार से खाना परोस रहे थे। खाने में बहुत सारे व्यंजन थे और सभी व्यंजन काफी टेस्टी थे। पता है, ये खाना खुद गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया है, तभी इतना टेस्टी है। क्या यहाँ की शादियों में सारे काम गांव वाले ही करते हैं? हाँ, गांव में किसी के भी घर शादी हो तो मंडप से लेकर खाना बनाने तक, मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके आने जाने तक पूरा काम गांव वाले ही करते हैं। उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। अच्छा है, शहर की शादियों में खाना पीना गाना बजाना सबका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो भी ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे जो है गांव में उतने पैसे नहीं होते। लेकिन गांव में प्यार है, हर काम प्यार से और अपना समझकर किया जाता है, जिससे उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल इस खाने की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, क्योंकि गांव में खाना बर्बाद करना अलाउड नहीं है, पूरी थाली खानी पड़ती है। ये सुनकर गट्टू चिंकी हंसने लगे और फिर से टेस्टी खाने पर टूट पड़े। बुआ की शादी। गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। दोनों मम्मी के साथ बाजार कपड़ों की शॉपिंग करने भी जाते हैं। नए जूते, नए गिफ्ट्स, नए कपड़े, सब कुछ नया। चिंकी एकदम परियों जैसी दिखने वाली फ्रॉक पहनकर देखती है। मम्मी, हम इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? दिवाली तो गई। हाँ मम्मी। बेटा, गांव में जो बुआ जी हैं, उनकी शादी है। तुम्हारे पापा की सबसे छोटी बहन है वो। तो हम गांव जाने वाले हैं? हाँ, खूब धूमधाम से होगी शादी। बुआ की शादी में भतीजा और भतीजी सबसे सुंदर कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? गट्टू जिंकी मम्मी पापा और दादी सब ट्रेन में बैठे थे। मम्मी, मैं उनकी शादी में खूब डांस करूंगी। हाँ बेटा, तुम दोनों डांस करना, कोरियोग्राफर आएगा, वो स्टेप्स सिखा देगा। लेकिन चिंकी सीट से उतर कर ही नाचने लगती है। मैंने पायल है छनकाई, मैंने पायल है छनकाई, ओहो हो, ओहो हो। सब हंसकर तालियां बजाने लगते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन गांव पहुंच जाती है। सब लोग शादी के घर पहुंच जाते हैं। चिंकी और गट्टू के माथे पर तिलक लगाया जाता है, उसके बाद पापा मम्मी के भी, और आरती की थाल फेर कर घर के अंदर बुलाया जाता है। ये सब क्या था मम्मी? उन्होंने थाली क्यों फेरी मम्मी? बेटा, उन्होंने हम सबका वेलकम किया है, ऐसे ही सबका वेलकम किया जाता है। अब हम लोग फ्रेश होकर बुआ की हल्दी में नाचेंगे, ठीक है? तभी पास में खड़ी मौसी आकर कहती है, अरे अरे मेरे भांजे भांजी कितने बड़े हो गए, एकदम छोटे छोटे थे तब देखा था इन्हें। आप सब जल्दी से फ्रेश होकर हॉल में आ जाइए, वहाँ हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाओ! हाँ बेटा, बुआ की शादी है ना, तो हम सबको नाचना है। लेकिन बुआ किधर है? किधर है बुआ? वो पार्लर गई है बेटा, आ जाएगी। हल्दी की रस्म में भी तो बेस्ट दिखना होता है। ये बोलकर मौसी चली जाती है। मम्मी, ये हल्दी की रस्म क्या होती है? बेटा, शादी से 3 दिन पहले विनायक जी बिठाते हैं, मतलब अपने गन्नू भैया। पास में एक छोटा सा लड़का बिठाते हैं जो गन्नू का रूप होता है। उसके बाद दुल्हन के चेहरे पर हल्दी लगाते हैं ताकि उसका रूप रंग निखर जाए, दुल्हन सबसे सुंदर लगे।
आखिर हमारी बुआ दुनिया की बेस्ट दुल्हन लगनी चाहिए ना। मैं भी बुआ को हल्दी लगाऊंगी मम्मी। हाँ आप भी लगा लेना, उससे पहले हम डांस प्रैक्टिस में भी तो जाएंगे, बेस्ट डांस करना है हम सबको। सब लोग कमरे में चेंज करके वापस आ जाते हैं, एक दूसरे को नमस्ते कर रहे होते हैं। गट्टू और चिंकी सबके पांव छूते हैं, तभी मौसी उनको बुलाने आ जाती है। चलो सब लोग हॉल में, कोरियोग्राफर आ गए हैं। अरे मैं क्या करूँगा, आप सब जाओ। अरे आप कैसे मना कर सकते हैं, आपकी तो बहन है, आपको तो नाचना ही होगा। अरे बाबा मैं नाचने लगा तो शादी की तैयारियां कौन करेगा, आप सब जाओ, मैं मेहंदी के समय कमर मटका लूंगा। क्यों चिंकी? यस पापा। सब लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ बहुत हलचल मची हुई होती है। घर की बूढ़ी औरतें भी धीरे धीरे स्टेप्स ले रही होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पोले चूड़ियाँ पर नाचना है। सब हंसने लगते हैं, गाना बजाने के बाद सब नाचने लगते हैं। चिंकी एकदम खुश होकर नाच रही होती है। कम ऑन, आप सब बहुत अच्छा नाच रहे हैं, कल मेहंदी में सबको हरा देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। शाम हो जाती है, सब लोग वापस अपने कमरों में तैयार होने चले जाते हैं। तभी बुआ पार्लर से आ जाती है। गट्टू और चिंकी एकदम तेज भागकर बुआ से लिपट जाते हैं। बुआ आप कितनी सुंदर लग रही है। तुम भी एकदम परी जैसी लग रही हो मेरी गुड़िया। दोनों बच्चे एकदम खुश होकर बुआ से लिपट जाते हैं। दादी बता रही थी आप दूसरे घर चली जाएंगी बुआ। हाँ बुआ, फिर क्या आप कभी नहीं आओगी? हाँ बुआ के आंखों से आंसू गिरने ही वाले होते हैं कि दादी आकर बोलती है। किसने बोला, बुआ हमारे साथ ही रहेगी, आती जाती रहेगी। जैसे अभी वो कभी गांव रहती है तो कभी कभी शहर आती है, तुम लोगों से मिलने आगे भी आती रहेगी, बुआ कहीं नहीं जाएगी। और अभी तो गट्टू बुआ का विनायक बनेगा रस्मों में। विनायक कैसे बनूंगा दादी, वो गन्नू जी है ना? हाँ बेटा, लेकिन बुआ के साथ एक लड़का हमेशा बैठेगा विनायक बनकर, जो उनकी बुरी नजर से रक्षा करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनके साथ सब रस्मों में बैठेगा। वो बुआ का लाडला भतीजा गट्टू बनेगा। और दादी मैं क्या बनूंगी? तुम बुआ का ध्यान रखोगी, उनके साथ नाचना गाना, उनको हल्दी लगाना, तुमको कुछ बनने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में पाटा लग जाता है, एक पर बुआ और एक छोटे पाटे पर पास में गट्टू को बिठा दिया जाता है विनायक बनाकर। सब औरतें गीत गाने लगती हैं और एक एक कर बुआ के गाल पर हल्दी लगाने लग जाती हैं। मैं भी हल्दी लगाऊंगी। और वो आगे बढ़कर उसको हल्दी लगा देती है। सब हंसने लगते हैं, तभी गट्टू से भी रहा नहीं जाता और वो भी उठकर बुआ को हल्दी लगा देता है। और चिंकी भी गट्टू के गालों पर हल्दी लगा देती है। सब लोग देर रात तक नाचने लगते हैं। तभी दादी आकर बोलती है, अरे इतनी देर हो गई है, सो जाओ अब, और बुआ को भी सोने दो, वरना उनको अंडर आई आ जाएगी। कल मेहंदी का फंक्शन भी तो है और हमारे गट्टू और चिंकी बुआ को सरप्राइज भी तो देंगे, इसीलिए जाकर सो जाओ। मेहंदी का दिन आ जाता है, पूरे घर में अलग तरह से कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। बुआ भी आज हल्का हरे रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो रही होती है और उधर गट्टू चिंकी भी सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। गट्टू तुम अपने स्टेप्स अच्छे से नहीं कर रहे हो, मुझे फर्स्ट आना है, कहीं गड़बड़ हुई तो खूब लड़ाई करूंगी। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तुम कमर कितना मचकाती हो, इतना नाचना मुझे नहीं आता। अरे बच्चों बाहर टेंट लग गया है, इससे पहले कि बुआ आए दोनों पानी पूरी तो खा लो। पानी पूरी? चलो गट्टू बाहर चलकर पहले पानी पूरी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद मेहंदी की सब रस्में शुरू हो जाती है। पासी में बने स्टेज पर सब लोग नाचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पापा अनाउंसमेंट करते हैं, अब बुआ को सरप्राइज देने आ रहे हैं गट्टू और चिंकी, तालियों से स्वागत करें। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। चिंकी कमर मटकाते मटकाते स्टेज पर आ जाती है।
गट्टू उसके पीछे आता है, लेकिन घबराहट से गट्टू स्टेप्स भूल जाता है और कुछ अलग स्टेप करने लगता है। गट्टू, तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी, सब लोग कितना हंस रहे थे। सॉरी चिंकी। चिंकी को रोता देख दादी स्टेज पर जाकर कहती है, और आज की परफॉर्मेंस की विनर है हमारी चिंकी। ये सुनते ही चिंकी एकदम फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती है और स्टेज पर जाकर दादी के साथ फिर से नाचने लगती है। अगले दिन बारात के आने पर सब लोग स्वागत करते हैं। गट्टू चिंकी बुआ को दुल्हन में देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। सब लोग वरमाला और फेरों को अटेंड करके जाने लगते हैं। गट्टू चिंकी एकदम बुआ के पास आकर बैठ जाते हैं। ओम स्वाहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। दादी, शादी हो गई क्या? हाँ बेटा, अब तुम्हारी बुआ पराई हो गई। अरे आप रोइए मत, ये तो खुशी की घड़ी है। आइए विदाई की रस्में पूरी करते हैं। गट्टू और चिंकी, तुम भी बुआ के पास आओ। और इस तरह हंसी खुशी गट्टू चिंकी बुआ की शादी अटेंड करते हैं। बुआ को कार में बिठाते ही गट्टू के गाल पर वो प्यार से हाथ फेरती है। गट्टू कहता है, आप टेंशन मत लो बुआ, मैं सबका ख्याल रखूंगा और आप जब वापस आओगी तब तक डांस स्टेप भी सीख लूंगा। सब हंसने लगते हैं। चिंकी भी अपने आंसू पोंछकर हंसने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।